हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। सो जैसे कि हमारे जो नेट जेआरएफ पर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, उनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ क्वेरीज से रिलेटिंग टू एमफिल एंड पीएचडी। सो आज हमने इनवाइट किया है मिस वरदा सरदाना को, जो कि एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जो कि कॉमर्स का बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना गया है इंडिया में, एज वेल एज वो एमफिल अपनी परस्यू कर रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। सो हम आज उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जहां वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और किस तरीके से एमफिल और पीएचडी परस्यू करनी है इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बाई क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन। एंड आई एम योर मेंटर शुभम सिंघानिया फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं वरदा सरदाना से। सो मिस वरदा सरदाना, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आपने स्कूलिंग अपनी कहाँ से करी है और फिर आपने क्या क्या कोर्सेज परस्यू किए बिफोर इनरोलिंग फॉर एमफिल पीएचडी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऑलराइट, सो मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की एपीजे स्कूल पीतमपुरा दिल्ली से। आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्कूलिंग आई वेंट अहेड विद माय बैचलर्स इन कॉमर्स, जो मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट की फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड इमीजिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड विद माय एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी इन फाइनेंस। And I sat for the interview, I cleared the interview and MPhil करने के साथ साथ मैंने UGC NET JRF के aspirants को भी पढ़ाना शुरू किया। I started giving them coachings and immediately after one year I joined SRCC as an assistant professor and तब से लेकर अब तक I am teaching there as an assistant professor. So हम देख सकते हैं कि आपकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है, बहुत ही inspirational रही है कि आपने कोई भी गैप नहीं लिया है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छी जगह से करी, डैट इज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। देन आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी, डैट इज एम कॉम फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड फाइनली यू आर टीचिंग एट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कॉमर्स कॉलेजेस एट दिल्ली। सो कब आपको ये थॉट आया कि आप टीचिंग परस्यू करना चाहते हैं एज योर प्रोफेशन, और कब आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया और क्या आपने उसमें प्रिपरेशन अपनी स्ट्रैटेजी रखी, इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। सो बैचलर्स कंप्लीट करते वक्त ही आई न्यू दैट इट इज़ द टीचिंग प्रोफेशन जिसमें मुझे एंटर करना है। एंड मुझे ये भी पता था कि टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करने के लिए देर इज़ एन एग्ज़ाम कॉल्ड एज नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। उस टाइम पे नेट का एग्ज़ाम वॉज कंडक्टेड बाई यूजीसी, इस टाइम पे इट्स एनटीए विच कंडक्ट्स द एग्ज़ाम। तो जब एम कॉम में एडमिशन लिया तो इन द फर्स्ट ईयर इट्सेल्फ मैंने नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की एंड आई सैट फॉर द एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम दिया। ऑल दो उस टाइम पे आई वाज नॉट एलिजिबल बिकॉज फर्स्ट ईयर में वी आर नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम। सो स्टिल आई क्लियर द नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, आई गिव द एग्ज़ाम बिकॉज आई हैड टू नो वॉट इज़ द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। देन इन द सेकेंड ईयर वेन आई वॉज एक्चुअली एलिजिबल आई गिव द एग्ज़ाम अगेन एंड अगेन आई क्लियर द एग्ज़ाम नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, स्कोरिंग रैंक 7th इन द ओवरऑल लिस्ट। And that is how I completed it. And so for the teaching profession, आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई करना होता है, बट इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर एमफिल और पीएचडी, आपको अपना रिसर्च में आगे लेके जाना है, तो आपको जेआरएफ जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसको भी क्लियर करना होता है। सो एज टू इंश्योर कि जब आप अपनी एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको फेलोशिप भी रिसीव हो। So that has been my journey. So I am sure कि this has been a wonderful journey. और मैं यहाँ पर बहुत ही important aspect अपने net JRF aspirants को बताना चाहूँगा कि जब मिस वरदा सरदाना ने net qualify किया था तो first year में अगर आप net देते थे तो आप eligible नहीं होते थे, but अब regulations में change आ गया है। अब आप after your clearing your net JRF exam at least 2 years के अंदर आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है, वरना आपका नेट जेआरएफ इनवैलिड हो जाएगा। सो हमारे एस्पिरेंट्स को इस चीज़ का भी बहुत खासा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन टफ हो रहा है, जैसे कि मैम ने ऑलरेडी बताया है कि पहले यूजीसी कंडक्ट कराता था, अब एनटीए दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो क्योंकि वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसलिए एग्जाम काफ़ी ज़्यादा टफ आने लगा है। वरदा, आगे बात करते हैं कि क्योंकि आप एमफिल परस्यू कर रहे हैं, सो कैसी लाइफ होती है एक रिसर्च स्कॉलर की, उसके बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। लाइफ ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर, ओके। सो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो वी ट्राई टू अचीव जनरलाइजेशंस टू एनी क्वेश्चन, एनी रिसर्च प्रॉब्लम और एनी रिसर्च गैप जो हमने रिकॉग्नाइज किया है। तो
वो जनरलाइजेशन अचीव करने के लिए वी हैव टू इंश्योर कि जो हमने सैम्पल चूज़ किया है दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. लेकिन जो आपने सवाल पूछा है दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट? तो उसको जनरलाइज्ड आंसर देने के लिए आई हैव टू फर्स्ट डू अ स्टडी ऑन द लाइफ ऑफ रिसर्च स्कॉलर, विच इज़ नॉट फीजिबल फॉर मी राइट नाउ. इसलिए आई विल टेल यू एन आंसर फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव, विच मे नॉट अप्लाई टू अदर पीपल. सो the research scholar's life depends upon a number of factors. It depends upon the interest of the researcher, it depends upon the university, it depends upon the institute, the supervisor. Kuch logon ke liye jo research journey hoti hai wo bahut hi isolated journey hoti hai, like it's a very lonely thing to do because aapka topic hai, aapka research interest hai, there is no one to help you out. आपका सिर्फ आपके guide साथ में होता है जो आपको थोड़ी guidance और supervision provide करता है, but apart from that you are all alone. On the other side, there are some researchers जिनकी research journey बहुत ही happening होती है because they are the ones who like to interact with people. वो conferences में जाते हैं, workshops में जाते हैं, वो discuss करते हैं अपने research area का, वो topic discuss करते हैं, वो networking करते हैं and they like to share knowledge with one another. So more often than not, एक typical researcher की research journey is a mix of both. So yeah, it doesn't have in generalization, it depends on a lot of things, but yes, it's a mix of both and it depends a lot on how you are as a person and what you like to do. So जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैम ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो भी आपकी जर्नी होगी वो इस पर डिपेंड करेगी कि आपका इंटरेक्शन कैसे है लोगों के साथ, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसे है. सो हम एक और यूनिक क्वेश्चन है जो बार बार हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखने होते हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी एमफिल और पीएचडी कोर्स. सो क्या ऐसी फैक्टर्स हैं जिनको उन्हें कंसिडर करना चाहिए? ओके, सो दो मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको हमेशा कंसिडर करने चाहिए बिफोर टेकिंग द प्लंज इनटू एमफिल और पीएचडी. फर्स्ट इज दैट रिसर्च इज अ वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है? तो योर रिसर्च डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम यू गेटिंग एनरोल्ड इन द कोर्स. आपका रिसर्च का काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका लिटरेचर क्या है, आपका गैप क्या है. सिमिलरली आपका रिसर्च तब नहीं ख़त्म होता, आपकी एमफिल पीएचडी तब नहीं ख़त्म होती जब आप अपनी थीसिस सबमिट कर देते हो या जब आपका वायवस हो जाता है. आपका रिसर्च का काम उसके बाद भी चलता रहता है. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर कि दिस इज़ द If MPhil is for 2 years, 3 years, you have to be sure that इसमें आप इतना contribute कर पाओगे, इतना commitment दे पाओगे time का. Similarly, if PhD is for 4 years, 5 years, you have to be sure that इतना आप time commitment दे पाओगे. The second is your supervisor. So, many of us think कि ठीक है, एक बारी MPhil PhD में enroll हो जाएं, तो supervisor मिल जाएगा, कोई supervisor मिल जाए, बस start हो जाए एक बार MPhil PhD. This is a very wrong approach. आपका सुपरवाइज़र जितना आपको रिसर्च कमिटमेंट अपने एरिया के साथ करना है, टाइम के साथ करना है, उतना ही कमिटमेंट आपको अपने सुपरवाइज़र के साथ देना पड़ता है, उतना ही टाइम आपको अपने सुपरवाइज़र के साथ स्पेंड करना होता है. सो इट्स अ कमिटमेंट विद योर सुपरवाइज़र एज वेल. सो यू हैव टू इंश्योर दैट बिफोर यू टेक द प्लंज इनटू एमफिल और पीएचडी, आप रिकॉग्नाइज करो कि व्हाट आर द पोटेंशियल सुपरवाइजर्स, कौन से ऐसे सुपरवाइजर्स हैं जिनके साथ आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता है. इफ़ नॉट रिसर्च इंटरेस्ट, देन एटलीस्ट बैकग्राउंड मैच करता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एरिया से हैं फाइनेंस और आपका सुपरवाइजर जो आपका अलॉट हो गया दैट इज़ फ्रॉम एचआर, उसको फाइनेंस से कोई नॉलेज नहीं है, या फिर जो आप रिसर्च टेक्निक्स लगाने की सोच रहे हैं अपने एरिया में, ही और शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दोज टेक्निक्स, कभी सुना भी नहीं है. अगर ऐसा होगा सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू योर रिसर्च. तब तो आपको अपनी गाइडेंस भी नहीं मिलेगी, आप तो बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे. सो सुपरवाइजर इज़ अनदर एसेंशियल थिंग. प्लीज़ रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल सुपरवाइजर्स, ट्राई टू अप्रोच देम, you know, interact with them, try to understand their interests also, and then proceed and ensure that you are getting into the right thing. So I'm sure कि जो दोनों aspects Miss Varda ने बताए हैं, that is आपका commitment, आपका time, along with आपका guide और supervisor, वो दोनों बहुत ही important हैं, बहुत ही crucial role play करते हैं आपकी PhD में. But that brings me to a next question कि क्या universities इस तरीके की opportunities देती हैं कि before a candidate is selected or is enrolled for MPhil PhD, उसे interaction का मौका मिलता है कि वो guides के research interest को जान सके, उनसे एक इंटरेक्शन करके समझ सके कि क्या वो इनके साथ ठीक से जलप हो पाएगा. सो इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या नॉर्म्स हैं या क्या रेगुलेशंस हैं रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइजर्स. सो जैसे कि आपने पूछा कि क्या ऐसा अलाउड होता है कि रिसर्च जो पोटेंशियल रिसर्चर्स हैं वो जाके अपने पोटेंशियल गाइड से बात कर सके, इंटरेक्ट कर सके. इट इज़ फीजिबल, इट इज़ पॉसिबल. ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. कुछ यूनिवर्सिटी में ये नॉर्म्स होते हैं दैट वंस यू गेट एनरोल्ड, तो जिस एरिया में आप हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एचआर में हैं, तो ऑलरेडी एचआर के जो सुपरवाइजर्स हैं, पोटेंशियल सुपरवाइजर्स हैं, वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करके रखती है.
तो जब आप एनरोल करते हैं तो यूनिवर्सिटी अपने आप आपको वो सुपरवाइज़र अलॉट कर देती है बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपरवाइज़र, विच मीन्स सुपरवाइज़र से पूछा जाता है कि दीज आर द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, दीज आर व्हाट दे गेव इन देयर सिनॉप्सिस एंड राइटर्स, सो वुड विच ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स वुड यू लाइक टू चूज़. तो ये एक अप्रोच है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो होता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इट्स द स्कॉलर्स विच आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, दे आर गिवन अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सुपरवाइजर्स, द रिसर्च स्कॉलर्स कैन देन रिसर्च अपॉन कि हर रिसर्च सुपरवाइजर का, पोटेंशियल सुपरवाइजर का क्या बैकग्राउंड है, क्या इंटरेस्ट है, उन्होंने किस एरियाज में पेपर्स लिखे हुए हैं, उनको क्या एक्सपोजर है, उस पर रिसर्च करके दे कैन एक्चुअली सी कि उनका कौन सा ऐसा रिसर्च सुपरवाइजर है जिनके साथ उनका एरिया मैच होता है. देन दे कैन कॉन्टैक्ट देम थ्रू ईमेल्स, दे कैन यू नो डिस्कस विद देम कि मैम आई हैव अ सिमिलर इंटरेस्ट, दिस इज़ व्हाट आई एम विलिंग टू परस्यू, हाउ फार आर यू कंफर्टेबल विद इट, कैन वी जेल अप, कैन वी हैव अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कैन वी गो अहेड विद इट. सो दीज बोथ ऑफ दीज ऑप्शन आर अवेलेबल. नाउ कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा नॉर्म फॉलो होता है, दैट इज़ आई लीव इट अप टू यू, बिकॉज दिस दैट इज समथिंग फॉर द व्यूअर्स टू डिसाइड, बिकॉज देर आर एम्पल ऑफ यूनिवर्सिटीज विच ऑफर PhD एज वेल एज M.Phil. एंड देन whichever university you are applying, you'll have to first see कि उसमें क्या guidelines, क्या norms follow होते हैं, and then you'll have to go with the flow. Yes, so बिल्कुल ठीक कहा Miss Varda ने कि अलग अलग universities में क्योंकि अलग अलग regulations follow होती हैं, अलग अलग criteria follow होता है, तो आप जिस भी university में जाएं, उसको properly in-depth पहले study कर लीजिए, देख लीजिए कि वहाँ कैसे norms follow हो रहे हैं, and वो आपकी requirement के हिसाब से कैसे matchup होता है. So आपके लिए बहुत ही ज़्यादा easy और comfortable हो जाएगा उस particular university में PhD pursue करना. अब तो बात हो गई guides के बारे में, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी ज्यादा डाउट्स रहते हैं हमारे नेट JRF एस्पिरेंट्स को कि यूनिवर्सिटी क्या रोल प्ले करती है, या कुछ ऐसा है या कि ब्रांडेड यूनिवर्सिटी या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से ही PhD करनी चाहिए और कुछ छोटी या लेस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से PhD नहीं परस्यू करनी चाहिए. सो यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहता है, इसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताइए. सो माई रिकमेंडेशन एंड माई एक्सपीरियंस सेज दैट आपको कभी भी ब्रांड नेम के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग ब्रांड नेम, ठीक है, एंड वाई पीपल रन आफ्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर M.Phil और PhD इज बिकॉज इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड बींग एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर M.Phil एंड PhD. सो डू यू हैज अ ब्रांड नेम, डू यू हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी, बट द ब्रांड नेम डजंट वर्क ऑलवेज. अगर आपको सच्ची में एक अच्छे रिसर्च करनी है, यू हैव टू सी कि कहाँ पर किस तरह का कोर्स वर्क ऑफर होता है, कहाँ पर किस तरह के सुपरवाइजर्स अवेलेबल हैं, एंड व्हाट्स द एनवायरनमेंट, ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी. दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू हेल्प यू ग्रो एज अ रिसर्च स्कॉलर. अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जिसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, बट वहाँ पर आपको पता है कि द एनवायरनमेंट इज़ नॉट कंड्यूसिव इनफ, जो वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो कोलीग्स हैं, इवन द फॉर्मैलिटीज, द प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन दैट यूनिवर्सिटी, इट्स वेरी स्ट्रिंजेंट, यू नो, आपको इतना वहाँ ग्रोथ नहीं मिलेगा. दिस नो पॉइंट जस्ट गेटिंग इन द यूनिवर्सिटी फॉर द सेक ऑफ ब्रांड नेम, राइट. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कोर्स वर्क बहुत रिगरस है, ऑल दो उनका नाम इतना अच्छा नहीं है, मतलब उनका ब्रांड नेम इतना हाई नहीं है, दे मे नॉट यू नो फीचर इन द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ फॉर M.Phil और PhD, बट उनका कोर्स वर्क इतना रिगरस है दैट इट एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू रिकोगनाइज कि आपका इंटरेस्ट क्या है. इवन इफ यू आर टोटली अनअवेयर आपके आपको किस चीज़ में रिसर्च करनी है, आप उनमें एनरोल हुए, आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको एक्चुअली में करना क्या है रिसर्च में. सेम गोज फॉर योर सुपरवाइजर, सेम गोज फॉर एनवायरनमेंट. ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का क्योंकि सबका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई हो जाता है इतना रिगरस कोर्स वर्क करके, दैट यू गेट लाइक माइंडेड पीपल वेरी इजिली, एंड इट्स ईजी टू गो अहेड विद योर रिसर्च एंड डिस्कस एंड इंट्रैक्ट एंड यू नो इंक्रीज योर रिसर्च एक्यूमेंट. सो माई रिकमेंडेशन इज दैट डोंट गो फॉर द ब्रांड नेम, ठीक है. देर आर सम यूनिवर्सिटीज जिनका ब्रांड नेम भी बहुत अच्छा है, जिनका कोर्स वर्क भी बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल IIMs, IITs, DTU, बट देर आर सर्टन यूनिवर्सिटीज जो इतनी वेल नोन नहीं है, बट उनका कोर्स वर्क ही इतना अपने आप में इतना अच्छा है, उनका इन्वायरमेंट ही इतना अच्छा है, दैट इवन इफ द नेम इज नॉट देयर, यू कैन स्टिल गो अहेड विद डूइंग रिसर्च देयर, यू विल गेन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च इफ यू आर रियली इन टू रिसर्च. सो आई होप कि जो हमारे दिमाग में एक मिथ था कि हमें सिर्फ ब्रांड के पीछे भागना चाहिए और हमें सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहिए, उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, क्योंकि यहाँ पे मिस वर्धा ने काफ़ी अच्छे से बताया है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो बाकी हमें अकाउंट फॉर करने होते हैं इन ऑर्डर टू परस्यू PhD, जैसे कि आपका इंटरेक्शन, जैसे कि आपका रिसर्च कोर्स वर्क, एज वेल एज गाइड. सो आई एम श्योर कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि जब भी हमारे स्टूडेंट्स PhD परस्यू करना चाहते हैं तो उन्हें
काफ़ी ज़्यादा क्वेरी होती है रिलेटेड टू कि उन्हें कौन से एरिया में पीएचडी करना चाहिए, मतलब वेदर दे शुड परस्यू इट इन फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। तो क्या ऐसे असेंशियल चीज़ें हैं या कैसा उनका अप्रोच होना चाहिए जिससे वो अपने एरिया या फिर इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें? सो इससे रिलेटेड कुछ टिप्स दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। आपको किस एरिया में रिसर्च करनी है, दैट डिपेंड्स ओनली वन थिंग विच इज़ योर इंटरेस्ट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ठीक है, आपको किसी से सुनने को मिलता है कि ठीक है एचआर में बहुत स्कोप है, फाइनेंस में बहुत स्कोप है, नो, डोंट गेट स्वेड बाई दीज थिंग कि इसमें स्कोप है, इसका सुपरवाइज़र मिल जाएगा, ये सुपरवाइज़र इसमें अच्छा है, वो तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट करवा देगा तो उसके अंदर लग जाओ, वो इस एरिया में करवाता है तो इसमें लग जाओ, नो। अनलेस एंड अनटिल, एज आई सेड दैट रिसर्च इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अनलेस एंड अनटिल यू हैव इंटरेस्ट आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर चूजिंग योर एरिया, ब्रॉड एरिया इज़ योर इंटरेस्ट। नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि अगर उन्होंने अपनी मेजर्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में करी है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, बट उनको रिसर्च इंटरेस्ट उनका एरिया कुछ और है, फॉर एग्जांपल ओबी, तो क्या वो स्विच कर सकते हैं? सो माय आंसर इज़ डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अगर आपको अपने मेजर्स एक सब्जेक्ट में कर ली, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको रिसर्च इंटरेस्ट किसी और एरिया में है, आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो किसी और एरिया में, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद इट, प्रोवाइडेड यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर इंटरेस्ट विद नॉलेज। अगर आप कोई सिनॉप्सिस या कोई रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हो ओबी में, तो ऑब्वियसली योर इंटरव्यूअर्स आर गोइंग टू आस्क यू कि आपने मेजर्स तो मास्टर्स या मेजर्स जो आपने की है वो फाइनेंस में की है, तो आप ओबी में कैसे करना चाहते हो, आप ओबी में क्यों करना चाहते हो रिसर्च? यू विल हैव टू प्रूव देम दैट यू हैव एन इंटरेस्ट, एंड दैट इंटरेस्ट शुड बी बैक्ड आउट विद योर नॉलेज। अब इसमें नॉलेज का क्या मतलब है? यू शुड हैव सफिशेंट नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, आपने सफिशेंट उसमें ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू किया होना चाहिए, आपको उनको बेसिकली शो करना है कि आपने एक्चुअली में बहुत कुछ रीड कर लिया है उस एरिया में, एंड दैट्स व्हाई यू हैव इंटरेस्ट इन दैट एरिया, एंड देन यू हैव टू शो देम कि आप कैसे उस एरिया में कंट्रीब्यूट कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। वंस यू एबल टू कन्विंस योर इंटरव्यूअर्स कि आप एक्चुअली में ना सिर्फ इंटरेस्टेड हो बट एक्चुअली में कॉन्ट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग योर रिसर्च इन एनी अदर पर्टिकुलर एरिया विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया इन विच यू डिड योर मेजर्स और मास्टर्स, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। The only fact is that your interest should be there, and interest should be backed out with efforts to do research in that area and your capability to do research in that area. So, जो भी इतने अच्छे से मिस वर्धा ने समझाया उससे जो मैं क्रक्स निकाल के आपको बता सकता हूँ वो बस यही है कि एक तो सबसे पहले पीएचडी परस्यू करने के लिए आपका इंटरेस्ट उस एरिया में होना बहुत ज़रूरी है, एंड सेकेंड जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है अगर आप उसको शिफ्ट भी करना चाहते हैं आफ्टर योर मास्टर्स, सो वो बैक्ड होना चाहिए आपकी परफेक्ट नॉलेज से। सो आपको उस एरिया के बारे में अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में अपनी पीएचडी को रिप्रेजेंट करेंगे या फाइनली आप उसे ओन करेंगे, क्योंकि आप एक डिग्री ओन करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे कि आपको उस एरिया के बारे में कितनी इनडेप्थ नॉलेज है। सो सिर्फ हमें अपना एरिया इंटरेस्ट के बेसिस पे चुनना नहीं है, रादर उस डिग्री को ओन करने के लिए बैक बाय अच्छे से नॉलेज के भी रखनी है साथ में। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी तरफ बढ़ रहा हूं वो ये है कि आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी एमफिल पीएचडी के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आती रहती है स्टूडेंट्स की, किस तरीके से वो अपनी सिनोप्सिस की प्रिपरेशन करें। सो आप बताइए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए स्टूडेंट्स की सिनोप्सिस प्रिपेयर करने में, और वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एक अच्छी सिनोप्सिस? ओके, सो एज फार एज एमफिल इज कंसर्न्ड, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल के लिए सिनॉप्सिस रिक्वायर्ड होती है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एमफिल के लिए सिनॉप्सिस रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। द रीज़न इज़ दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एमफिल द इंटरव्यूज आर नॉट लुकिंग इनटू कि आपको पता हो कि पर्टिकुलर टॉपिक क्या होगा आपका रिसर्च का, एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो द रिसर्च मेथड, द टूल्स और द डेटा कलेक्शन सोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर योर रिसर्च एमफिल, when I talk about MPhil. So, उस केस में what major universities require is just a write-up. अब write-up का क्या मतलब होता है? They just expect you कि आपको at least ये पता होना चाहिए कि जो आपका research area है या जो आपका research topic है उसमें already क्या काम हो रखा है. All that you need to do is a good literature review. ठीक है, आपको लग के उस लिटरेचर में जो भी उस एरिया में लिटरेचर अवेलेबल है, पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, उनका रिव्यू करना होगा सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज अ रिसर्च गैप। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर फॉर प्रिपेयरिंग अ राइटअप फॉर योर एमफिल। आपको एक बार गैप मिल गया, आप उससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन निकाल पाए रिसर्च गैप से, आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, एंड दैट्स इट। दैट इज एज फार एज आई नो दैट इज़ वॉट द इंटरव्यूज रिक्वायर यू टू नो। आपको गैप पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो कैसे उस एरिया के रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। एज फार एज पी एच डी इज कंसर्न, यू डू रिक्वायर सिनॉप्सिस। अगेन, इन सम यूनिवर्सिटीज सिनॉप्सिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पी एच डी, बट इन मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज सिनॉप्सिस इज रिक्वायर्ड।
So how to prepare a research synopsis for PhD? The first step remains the same, which is literature review. Literature review हर चीज़ का base है. जब तक आप literature review नहीं करोगे, आप कहीं भी proceed नहीं कर पाओगे. Literature review, जिनको नहीं पता, simple मतलब क्या होता है literature review का, that जो भी आपने एक area choose किया है, for example, आपने broad area choose किया finance, उसमें आपको जाके पढ़ना है कि finance में क्या क्या हो रखा है. तो finance अगर आपका एक broad area है, break it down. Finance में अलग अलग सब areas होते हैं, for example, corporate finance होता है, you have investments, you have financial institutions. Once you recognize ki in areas mein se aapko kaun sa choose karna hai, then you go deeper into that. For example, aapne choose kiya financial institutions. So aapko ye pata hona chahiye ki aapko financial institution mein se kis financial institution mein interest hai. Aapko banking mein interest hai, aapko non-banking financial institution mein interest hai. And then once you recognize ki aapka core area kya hai, you go back on your literature, you start reading newspaper articles, you start reading books. These are the basic things that you need to read. And then you come on to research papers. अब कुछ लोगों को बहुत डर लगता है कि हम रिसर्च पेपर्स कैसे पढ़ेंगे, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता रिसर्च पेपर्स, हम खोजें कैसे, कौन से रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए, कौन से रिसर्च पेपर नहीं पढ़ने चाहिए. भाई फाइनेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग है, बहुत ही ब्रॉड एरिया है इन इटसेल्फ. देयर आर नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स अवेलेबल. तो हाउ डू वी चूज, दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू लर्न. ठीक है, नाउ कैसे लर्न करना है, that's a totally new thing for you, right? You start with looking for how to look for research, good research papers. Once you get the technique of how to look for good research papers, you shortlist some good research papers, and one criteria that you can use for shortlisting is the citations. जितनी बार एक paper को cite किया गया होगा, that tells कि वो paper कितना important है, कितना seminal है, and then you can go ahead with reading it. आप गूगल पे जाइए, गूगल, दिस इज द बेसिक थिंग दैट आई एम टेलिंग यू. आप गूगल पे जाइए, गूगल स्कॉलर पे जाइए. ठीक है, गूगल की एक फैसिलिटी होती है गूगल स्कॉलर करके. यू टाइप योर एरिया, राइट, योर नैरो डाउन एरिया, एंड वंस यू टाइप इट, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे. नाउ बहुत सारे रिसर्च पेपर में से शॉर्टलिस्ट द वंस दैट यू थिंक आर गुड ऑन द बेसिस ऑफ द जर्नल एंड द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइटेशन. जो नंबर ऑफ साइटेशन है वो भी उस पेपर के नीचे ही लिखी होती है. ठीक है, सो आई रिकमेंड कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर यू नो ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर रिसर्च सिनॉप्सिस, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू. अभी खोल के जस्ट ओपन गूगल स्कॉलर, टाइप द एरिया, टाइप द टॉपिक दैट यू आर यू नो गोइंग फॉरवर्ड, सी द साइटेशंस, डाउनलोड दोज पेपर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ लाइब्रेरी विच हैज़ एक्सेस टू दोज जर्नल्स, एंड स्टार्ट रीडिंग. शुरू में पेपर्स पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज द वे रिसर्च पेपर्स आर रिटन, दैट्स अकेडमिक लैंग्वेज एंड दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट बुक्स. सिमिलैरिटी नहीं होंगी, टेक्स्ट बुक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट रिसर्च पेपर्स आर प्रॉपर अकेडमिक लैंग्वेज. तो शुरू में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट फाइव पेपर्स पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू थ्रू आउट योर रिसर्च. आप लिटरेचर रिव्यू से रिसर्च पेपर पढ़ने से भाग नहीं सकते हैं. आपकी रिसर्च खत्म होने के बाद भी आपको पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उस एकेडमिक लैंग्वेज को अपने अंदर इन्फोर्स करना है. आपको उस तरह की एकेडमिक लैंग्वेज में पेपर्स लिखने हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू कांट रन अवे फ्रॉम. सो फर्स्ट फाइव पेपर्स पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज समझने में, रिसर्च टेक्निक समझने में, बट ट्राई टू रीड दैट, गो थ्रू दैट, उसको समझें. मल्टीपल रिसर्च पेपर्स पढ़ के, 10, 20, 30 पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि आपके रिसर्च एरिया में बात किस चीज़ की हो रही है, क्या गैप्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या करा है रिसर्चर्स ने, एंड उसको आप पढ़ के आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप एक्चुअली में कर सकते हो उस गैप्स को फुलफिल करने में, क्या आप एडिशनल कर सकते हो कॉन्ट्रीब्यूट करने में. सो लिटरेचर रिव्यू इज़ द फर्स्ट स्टेप. Then once you're done with that, you recognize your research gaps. Research gaps से आपके निकल के आते हैं objectives. आप करना क्या चाहते हो. ऑब्जेक्टिव से आपके निकल के आते हैं questions. Now उन questions का जवाब देने के लिए आपको चाहिए होगा data. आपको चाहिए होगा methods. Right? Methods again. अब methods क्या होते हैं research में, this is something totally different area. Methods भी निकालने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी रिसर्च मेथड्स पे. वंस यू रिकॉग्नाइज दस मेथड्स, यू नीड टू नो आपका डेटा कहाँ से मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, उस पर खुद में एक रिसर्च है डेटा निकालना. एंड दीज आर द स्टेप्स वंस यू रिकॉग्नाइज. अब आपको ये सब करना नहीं है, आपको ये सब बताना है रिसर्च सिनॉप्सिस में कि आप यहाँ से ये मेथड यूज़ करोगे, आप यहाँ से डेटा उठाओगे. आपको डेटा निकाल के देना नहीं है, आपको बस बताना है इंटरव्यूअर्स को दैट यू हैव अ सोर्स जहाँ से आप डेटा उठाने वाले हो. एंड देन At the end, you try to tell them in the synopsis कि ऐसा करने से at the end क्या contribution होगा आपके literature
रिसर्च में आपके एरिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. द होल पॉइंट ऑफ डूइंग रिसर्च इज कि आप अपने एरिया में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो. अगर आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, कुछ यूजफुल नॉलेज, कुछ न्यू नॉलेज कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, रिसर्च इज नन एंड वॉइड. इट हैज़ नो पर्पस. सो आई एम श्योर कि मिस वर्धा ने काफ़ी डिटेल में आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया है कि अगर आप एमफिल परस्यू करना चाहते हैं तो आपको सिनोप्सिस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान रखना है. जो एक और क्वेश्चन में आगे पूछने वाला था उसका भी आंसर मिस वर्धा ने इसी क्वेश्चन में दे दिया है कि अगर आपको पेपर्स पढ़ने हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, तो किस बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं. जैसे कि उन्होंने बताया कि आप अच्छे जर्नल्स को रिफर कर सकते हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ साइटेशंस देख सकते हैं, क्योंकि जिस जर्नल की, जिस पेपर की सबसे ज़्यादा साइटेशंस है, इसका मतलब वो उतना अच्छा जर्नल है, उतना ज़्यादा बार रीड किया गया है. तो ये कुछ तरीके आपको बताए हैं मैम ने जिससे आप फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे पेपर्स पढ़ सकते हैं. और फाइनली जो मैं क्रक समझ पाया वो ये है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका आउटकम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स या फिर अकेडमिकल और लिटरली वर्क में. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्चर के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है मिस वर्धा, वो ये है कि सिंस आप एज अ लेक्चरर भी काम कर रही हैं और आप एक तरफ एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं एज यू आर पर्सुइंग योर एमफिल, सो हाउ इज द लाइफ ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ लेक्चरर, इसके बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए. ऑलराइट, सो लाइफ ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. यू आर अ स्कॉलर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इन द लर्निंग फेज, यू गेट टू इंटरेक्ट अ लॉट. On the other hand, you may feel the journey is very lonely. When I talk about a lecturer, so being a teacher is a very great thing to be if you like to teach, if you are passionate about teaching. अगर आपको पढ़ाना पसंद है, अगर आपको बच्चों से interact करना पसंद है, if you like to be a guide, a philosopher, a friend. So what I have recognized, what I have learned over a period of time being a lecturer, being an assistant professor, Shriram College of Commerce over 1 year, is that you just don't have to teach, you have to play multiple roles. सो आपको कभी कभी गाइड भी बनना पड़ता है, कभी कभी कुछ इमोशनल, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स आती है बच्चों की, यू हैव टू हैंडल दैट ऑल्सो. सो दैट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ एज कम्पेयर टू अ रिसर्च स्कॉलर्स. एंड वेन यू आर डूइंग बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली, विच आई एम डूइंग, बीइंग प्लेइंग एज अ रिसर्च स्कॉलर ऑल्सो एंड प्लेइंग एज अ टीचर ऑल्सो, थोड़ा सा बैलेंस करने में डिफिकल्टी आती है. बट इफ़ यू आर इन टू टीचिंग एंड रिसर्च एट द सेम टाइम एंड यू आर लविंग बोथ, बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. So same is the case with me. I am doing something which I am passionate about, which I love, and I'm doing research in an area which I'm interested in. So mere liye dono cheeze manage karna was not difficult initially when I joined as an assistant professor. Thoda bahut balance karne mein problem hui thi, but after that it was a smooth journey. So again it depends. So that's why I would continue to repeat it. Please do research in an area in which you are interested in, and please join teaching only if you're passionate about it. Otherwise you'll get fed up of it, you won't be able to handle your students, and your students won't be happy with you, won't be happy with your students, you won't be happy with your college. So don't get into something which you don't see a future in or which you don't think you are passionate about. सो जो मैम का आंसर है वो मुझे एक कोटेशन की तरफ लेके जाता है कि डू अ जॉब डैट यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ. सो दैट्स द प्रिंसिपल कि अगर आप, चाहे वो रिसर्च की बात करें या वो टीचिंग की बात करें, कि अगर आप अपने इंटरेस्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगी और आप सारे स्ट्रगल्स को पार कर लेंगे. बट अगर आप एज अ फ्लेक्सिबिलिटी या एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं टीचिंग को, इसलिए उस प्रोफेशन में आए हैं, या फिर सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए रिसर्च और पीएचडी या फिर एमफिल परस्यू कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स को फेस भी करना पड़ेगा और जो आपका आउटकम होगा उससे भी किसी को ज़्यादा हेल्प नहीं होगी, स्टूडेंट्स को ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पाएगा. सो बहुत ही वेल पुट मिस वर्धा की, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना के चलना पड़ता है दोनों चीज़ों में. सो मिस वर्धा, जैसे कि आप एमफिल परस्यू कर रही हैं, तो हमें काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आते रहते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से एमफिल एंड पीएचडी परस्यू कर रहे हैं. सो उनकी एक क्वेरी रहती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने रिसर्च पे फोकस नहीं करना चाहते हैं. तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ रिसर्च स्कॉलर हमें निभानी पड़ती है इन अ यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ आर एमफिल पीएचडी. सो उसके बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए ताकि उनको थोड़ी क्लैरिटी भी हो और उन्हें ये भी पता चले कि कैसे उन्हें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी हैं और कैसे वो उसके बीच में जगल आउट करके अपने रिसर्च पर फोकस कर सकते हैं. ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर ऑन रिसर्च डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं. तो
इरिस्पेक्टिव आप कौन सी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, आपको एक कोर्स वर्क तो करना ही पड़ेगा. अब ये कोर्स वर्क का क्या मतलब होता है? कोर्स वर्क मीन्स कि आपको रिसर्च की और आपको अपने एरिया की नॉलेज दी जाती है थ्रू अ कोर्स वर्क. द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस कोर्स वर्क डिपेंड्स फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इट्स फॉर वन सेमेस्टर, जो कि 6 मंथ का हो सकता है, 4 मंथ्स का हो सकता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल का कोर्स वर्क होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 1.5 साल का कोर्स वर्क होता है. सो कोर्स वर्क इज़ वन थिंग जो कॉन्स्टेंट रहेगा, जो जब भी आप एमफिल या पीएचडी में एनरोल करेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा. वंस यू आर डन विद दिस कोर्स वर्क, आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि एक नॉर्मल कोर्स करके आपको एग्ज़ाम देना होता है दिखाने के लिए कि यू हैव डन वेल इन दैट कोर्स. सिमिलरली कोर्स वर्क के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो बी आस्ट एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, आपको हो सकता है टर्म पेपर भी सबमिट करने पड़े. फॉर एग्जाम्पल इन टेन यूनिवर्सिटी एमफिल और पीएचडी के लिए अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपको टर्म पेपर सबमिट करने पड़ते हैं. अब टर्म पेपर्स का मतलब ये होता है कि आपने जो टॉपिक या एरिया चूज किया है उसमें एक छोटा सा कुछ काम करके दिखाना होता है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू या फिर कोई भी किसी भी तरह का ब्रीफ एम्पेरिकल वर्क, जिसको आप हो सकता है एक्सटेंड करके अपनी अपनी रिसर्च को, अपनी डिग्री को, अपनी एमफिल या पीएचडी को आगे लेके जाएं. सो दिस वाज़ द सेकंड थिंग, द टर्म पेपर. अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम फॉर एमफिल एंड पीएचडी कोर्स वर्क, आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन सम यूनिवर्सिटीज़ यू कैन बी आस्क्ड टू टेक अप टीचिंग असाइनमेंट्स फॉर योर सुपरवाइजर. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी दे दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एडमिशन्स, जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ और कोर्सेज हैं अगर यूनिवर्सिटीज़ में, एमबीए के कोर्सेज हैं, बीए के कोर्सेज हैं, तो उन कोर्सेज में एडमिशन के लिए यू कैन बी गिवन यू नो ड्यूटीज़. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी में इफ़ यू आर एन एमफिल और पीएचडी स्कॉलर जो कि कहीं और वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको इन्विजिलेशन ड्यूटीज़ भी दी जा सकती हैं. जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको इन्विजिलेट करना होगा, या हो सकता है आपको पेपर्स भी चेक करने के लिए दिए जा सके इंटरनल्स. तो दीज आर द सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नाउ पॉइंट ये आता है कि अगर आपको ऑलरेडी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, आपको कोर्स वर्क करना है, आपको टर्म पेपर करना है, ऊपर से आपको टीचिंग असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो व्हेन कैन यू डू योर ओन रिसर्च वर्क. ओन रिसर्च वर्क मीन्स आप खुद का कब पढ़ोगे, आप खुद का लिटरेचर रिव्यू, खुद का गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करके कैसे अपने काम पर लगोगे. सो दिस इज़ अगेन वन थिंग दैट यू हैव टू लर्न एज अ रिसर्च स्कॉलर, एंड यू लर्न ये करने से ही आएगा. ठीक है, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट स्क्रिब कि मेरे पास तो रिसर्च करने का टाइम ही नहीं है, मुझे मेरे सुपरवाइजर ने ये काम दे दिया, अपना पर्सनल काम दे दिया, अपना क्लासेस मुझे पकड़ा दी, मुझे इन्विटेशन ड्यूटी दे दी, मेरे को उसकी अटेंडेंस लगानी है, मुझे उसका इंटरनल चेक करने हैं, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है अपना रिसर्च करने का. दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़. टाइम निकालने को निकल आता है टाइम. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू लर्न ड्यूरिंग योर रिसर्च जर्नी. आई से इट अगेन, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, राइट? आपको रिसर्च में काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सिर्फ रिसर्च करना नहीं सिखाया जाता आपको. दिस इज़ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू लर्न, राइट? साथ साथ टीचिंग कैसे करनी है, चेकिंग कैसे करनी है, इन्विजिलेशन कैसे करनी है, दूसरे काम को हैंडल करते हुए अपना यू नो अपने रिसर्च काम कैसे करना है, यू हैव टू डिसाइड हाउ टू बैलेंस आउट थिंग्स एंड हाउ मच टाइम टू डेडिकेट टू ईच थिंग्स एंड ऑल्सो वेन टू से नो, राइट? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च, बट यू हैव टू लर्न टू से नो. यू हैव टू लर्न टू रिस्ट्रिक्ट थिंग्स एज टू नॉट adversely affect your own research work. So I think यहाँ मिस वर्दा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ को शैकल अप कर रही हैं. वो ये है कि स्टूडेंट्स ने अननेसेसरी एक मिथ बना लिया है कि हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, हमें रिसर्च के लिए टाइम नहीं मिलता. बट अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक बार आप अपनी पीएचडी कर लेते हैं एंड आप कहीं इनरोल करा लेते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एज ए लेक्चरर, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, तो ये वो असाइनमेंट्स हैं जो आपको करने ही हैं. सो बेसिकली ये जो एक टाइम ड्यूरेशन है 3 to 5 years का, जिस ड्यूरेशन में आप अपनी एमफिल पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, ये आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक एक्सपोजर है, एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है, जहाँ पे आप ये सीख रहे हैं कि आपको एक्चुअली अपने फुल टाइम करियर में जो आपने चूज़ किया है डेट इज़ लेक्चरर, उसमें क्या क्या असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं और आपकी पूरी लाइफ टाइम की जर्नी कैसे रहेगी. तो इसमें जितना हम इजीली अपने आप को अडैप्ट कर लेंगे, जितनी पॉजिटिविटी से लेंगे, उतना ही ईजी और कम्फर्टेबल हो जाएगा हमारे लिए अपने रिसर्च को परसी करने में. और एट द सेम टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जहां हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ वर्क या असाइनमेंट जो अभी गिवन है हमें, ये हमारे रिसर्च वर्क को इफेक्ट कर रहा है या अभी ज़रूरी नहीं है, तो उसे भी बहुत ही पोलाइटली अपने टीचर को रिक्वेस्ट करके या सुपरवाइजर से बात करके उस असाइनमेंट को भी थोड़े टाइम के लिए डिले किया जा सकता है. तो हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और यही जर्नी होती है एज अ रिसर्च स्कॉलर. इसीलिए ये 3 से 5 ईयर का टाइम ड्यूरेशन हमें दिया गया है.
थैंक यू वरदा फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां मैं ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइड का इन सुपरवाइजिंग द रिसर्च स्कॉलर्स. सो आपको क्या लगता है कि क्या एक इंपॉर्टेंट असेंशियल चीज़ है जो हमें गाइड से मिलती है या गाइड हमें प्रोवाइड करता है जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है पीएचडी परस्यू करने में? सो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को. सो ये जो वर्ड है सुपरवाइज़र या गाइड, ये बहुत ही सोच समझ के वर्ड रखा गया है. ठीक है, ये टीचर नहीं बोला जाता है, इसको सुपरवाइज़र या गाइड बोला जाता है बिकॉज ऑफ अ रीज़न. जो सुपरवाइज़र या गाइड का काम होता है वो उनके नाम में ही होता है. दे आर नॉट देयर टू स्पून फीड यू. वो इसलिए नहीं है कि वो आपको बताएं कि ठीक है बेटा अब ये कर लो, अब ये टेक्निक लगा लो, अब ये पढ़ लो, अब ये कर लो. दे आर नॉट देयर फॉर दिस एंड दे आर नॉट देयर फॉर सॉल्विंग योर रिसर्च प्रॉब्लम. दे आर जस्ट देयर टू सुपरवाइज यू एंड गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन. दैट्स वॉट दे आर सपोज टू डू एंड दैट इज वॉट दे शुड डू. अगर वो आपको हर चीज़ में स्पून फीड करने लग जाएंगे, आप रिसर्च कर ही नहीं पाओगे. आप अपनी M.Phil डिग्री ज़रूर अचीव कर लोगे, आप अपना PhD डिग्री ज़रूर अचीव कर ला पाओगे, लेकिन जब आपने ख़त्म कर लोगे डिग्री, आप खुद से इंडिपेंडेंट रिसर्च कर ही नहीं पाओगे विदाउट देयर सपोर्ट, विच अगेन डज नॉट सेटिस्फाई द एम जिसकी वजह से हम M.Phil या PhD करते हैं. तो वो जो होते हैं सुपरवाइजर्स एंड गाइड, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, और आप उन्हीं उसी तरह से उनको प्रिज्यूम कीजिए. दे आर जस्ट देयर टू प्रोवाइड यू अ राइट डायरेक्शन. दे कैन टेल यू दैट ठीक है, अगर आप उनके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम लेके आए हैं तो वो आपको ये बता सकते हैं कि बेटा रीड दिस बुक और रीड दिस पेपर एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन आफ्टर रीडिंग दिस, और मे बी आई विल रेफर टू यू टू दैट पर्सन हु इज गुड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड आप उस बंदे से बात कर लीजिए एंड मे बी यू विल फाइंड रिसर्च अन आंसर टू योर रिसर्च प्रॉब्लम. बट वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है क्वेश्चन ले आए हैं, मैं आपको सॉल्व करके आपके हाथ में पकड़ाता हूँ. नो, अगर आपका गाइड ऐसे कर रहा है दैट्स नॉट अ राइट थिंग. ठीक है, फिर वो गाइड आप जितना मर्जी समझ ले कि मेरा गाइड तो बहुत अच्छा है, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म. राइट, सो अच्छा गाइड वही है जो आपको एक रिसर्च यू नो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एंड दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड टू यू. सो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हमेशा आपका गाइड आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा. फर्स्ट थिंग, एक गाइड के पास आपका गाइड सिर्फ आपका गाइड नहीं है, एक तो वो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स का गाइड है एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गाइड ही इज़ अ टीचर ऑल्सो. ही इज़ टीचिंग समवेयर, ही हैज़ सर्टन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल. सो पूरा टाइम आप ये एज्यूम करो कि पूरा टाइम मेरा गाइड मेरे लिए अवेलेबल होगा, मुझसे डिस्कशन के लिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मुझे बताने के लिए. दैट्स ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन. सो प्लीज़ वेन एवर यू एनरोल योर सेल्फ, प्लीज़ बी क्लियर कि आपका रिसर्च गाइड का या सुपरवाइजर का रोल क्या है. He or she is not going to, you know, move hand in hand with you, but they are there to support you from the back, to support you, to, you know, prevent you from falling. And that is what they're supposed to do, and that is what you should take them as. एक बहुत ही फेमस कोट याद आ रहा है जो ये कुछ ऐसा है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद हैं, कि मैं एक इंसान को मछली पकड़ के दे सकता हूँ और दूसरी तरफ मैं एक इंसान को मछली पकड़ना सिखा सकता हूँ. तो अगर मैंने उसे मछली पकड़ना सिखा दिया है तो वो पूरी लाइफ में अपनी मछली पकड़ के अपने आप को फीड कर सकता है. तो सेम इज़ विद द केस ऑफ रिसर्च, कि जो भी एक अच्छा गाइड होता है वो यही कोशिश करता है कि वो आपको इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना सिखा दे, ताकि एक बार जब आपने अपनी M.Phil और PhD की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो भी आप उसके बाद भी अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च और टॉपिक्स में, रिसर्च पेपर्स में कंटिन्यू कर सकें और लिटरली वर्क में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें. So very well put up Varda. So next question जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो हमसे कुछ students ने पूछा है, कि since scholarship को लेके काफ़ी ज़्यादा concerns रहती हैं काफ़ी सारे लोगों, क्योंकि उनकी family उन पर dependent हो जाती है जब तक वो PhD pursue कर रहे होते हैं, they are of the age of 25 to 26. So मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो scholarship मिलती है वो कितनी है and क्या वो scholarship sufficient होती है अपने living expenses को, expenses को bear out करने के लिए, as well as जो research से related expenses होते हैं, that is maybe in the form of printing, stationery and research papers, क्या वो भी cost cover हो पाती है fellowship के अंदर? तो इस पे थोड़ा सा बताइए हमारे students को. Okay, so the first thing that you all need to know is the amount of scholarship that you get, the amount of fellowship that you get. So currently जो amount है, that is fellowship का जो amount है, that is 31,000. And over and above what you get is an HRA, that is the house rent allowance, of 7,440 rupees. इसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ कंटेंजेंसी फंड ऑफ ₹10,000 पर ईयर. तो वो जो फेलोशिप का अमाउंट, जो HRA का अमाउंट है, वो तो आता ही रहता है. उसके अलावा यू कैन अप्लाई फॉर अप टू ₹10,000 एज अ कंटेंजेंसी, जिसका मतलब ये होता है कि जो आपने अभी बात की प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, आपने कुछ पेन ड्राइव्स खरीदी हैं, आपने थीसिस का प्रिंट आउट निकालना है, आपने कुछ फोटो कॉपीज कराई हैं, आपने बुक्स खरीदी हैं अपने रिसर्च पर्पसेज के लिए, तो उस सब का अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है इन टर्म्स ऑफ बिल, तो आप उन सारे एक्सपेंडिचर्स को क्लेम कर सकते हो पर ईयर ₹10,000 तक के एक्सटेंड तक.
Now, is this amount of fellowship sufficient or not? Now, this is again something which depends on your expenditure. This is something that you need to figure out. So, as far as I am concerned, I am a Delhiite. So, when I was purely doing research, I was not into teaching. For me, it was sufficient because I am a Delhiite. I am living at my own home. मेरे ज़्यादा एक्सपेंसेस थे नहीं सो इट वॉज़ वेरी मच सफिशियंट फॉर मी बट फॉर दोज हु आर लिविंग आउटसाइड देयर होम जो दिल्ली में रह रहे हैं इन फ्लैट्स इन पीजीज एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर टू अकर इन टर्म्स ऑफ देयर रेंट हॉस्टल्स में रह रहे हैं फूड का खर्चा ट्रैवल का एक्सपेंडिचर तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एनरोल करने से पहले या उस वक्त आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए कितना आपके पास आ रहा है एंड हाउ मच एक्सपेंडिचर यू हैव टू बियर सो इट इज़ अप टू यू टू फिगर आउट दैट इज़ इट सफिशेंट और नॉट एंड हाउ टू बैलेंस आउट एंड यू नो ट्राई टू इंश्योर दैट अगर आपको 3 साल 5 साल तक करना है ना आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है तो आप कैसे मैनेज करेंगे एंड वॉट ऑल यू कैन डू टू इंश्योर दैट दिस अमाउंट इज सफिशेंट फॉर यू सो बेसिकली आपके आंसर से मैं ये समझ सकता हूँ कि इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आप डेलीहाइट हैं या जिस आपकी केस में से डेलीहाइट की सिचुएशन है वैसे जहाँ से आप एमफिल पीएचडी परस्यू कर रहे हैं क्या वो आपका होम टाउन है और यू आर एट सम आउट स्टेशन सिटी सो इस पर डिपेंड करेगा सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसके बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस डिटरमाइन होंगे नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है टू अ रिसर्च स्कॉलर वाइल डूइंग एमफिल और पीएचडी क्या वो कोई दूसरी जॉब कर सकते हैं या किस टाइप के नेचर ऑफ एक्टिविटी में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी लीगल मैंडेट या विदाउट ब्रेकिंग एनी रेगुलेशंस सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जो ऐसे स्कॉलर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे कि अभी आपने बताया तो वो ऑब्वियसली कुछ अपनी इनकम को मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ साइड जॉब या पार्ट टाइम वर्क करना पड़ेगा सो उससे रिगार्डिंग कुछ आप हमें बताएं ओके सो क्या नॉर्म्स होते हैं क्या गाइडलाइंस होती है यूनिवर्सिटी की दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ सो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच आर वेरी फ्लेक्सिबल फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट्स वाई इट्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इट्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सो यू एनरोल योरसेल्फ इनटू एमफिल और पीएचडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यू कैन डेफिनेटली गो फॉर टीचिंग उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं टीच करने से ऑन द अदर टीच करने से या कोई और जॉब करने से नॉट ओनली टीचिंग यू कैन गो इन टू द बैंकिंग सेक्टर एनी अदर सेक्टर आई नो स्कॉलर्स हु आर डूइंग देयर रिसर्च फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम दे आर इन टू द बैंकिंग सेक्टर और एनी अदर प्राइवेट जॉब कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउ नहीं करती दे हैव देयर ओन गाइडलाइंस एंड फॉर एग्जाम्पल इन आई आई टीज और दिल्ली और इन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन whether you are able to convert your MPhil or PhD into part-time or not. So IIT se case mein and even DTU ke case mein, unless and until you are done with your coursework, until and unless you submit a research plan, jab tak aapka ye dono cheeze nahi ho jaati, aap part-time mein convert kara ke किसी और जॉब में नहीं जा सकते एंड उसके लिए भी इवन इफ़ यू हैव सबमिटेड अ रिसर्च प्लान अब रिसर्च प्लान का क्या मतलब होता है आपको अपने सुपरवाइजर को और बाकी रिसर्च कोलीग्स को ये दिखाना पड़ेगा कि आपका एक रिसर्च प्लान तैयार है आपको पता है कि आपको रिसर्च किस एरिया में करनी है किस टॉपिक में करनी है आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आपका रिसर्च यू नो टेक्नोलॉजीज़ या मेथड्स वगैरह 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 क्या क्या होने वाला है आपको ये सब प्लान करके दिखाना पड़ता है एंड उसको एक्सेप्ट करवाना पड़ता है अपने सुपरवाइजर से अपने कोलीग से एंड जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो भी रिस्पॉन्सिबल रिसर्च कमेटी में है इसके बाद वंस यू आर कंफर्टेबल एंड योर रिसर्च सुपरवाइजर इज कंफर्टेबल देन यू कैन गेट योर पीएचडी कन्वर्टेड इनटू पार्ट टाइम थिंग रिसर्च प्लान होने के बाद भी अगर आपको सुपरवाइजर कंफर्टेबल नहीं है अगर वो खुद नहीं चाहता कन्वर्ट कराना तब भी हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शन हो ठीक है तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सो वेन एवर यू आर एनरोलिंग यू फर्स्ट नीड टू चेक कि आपकी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस क्या हैं क्या वो पार्ट टाइम में कन्वर्ट करने का अलाउ करते हैं नहीं करते अगर करते हैं तो कितने टाइम बाद 1 साल बाद 2 साल बाद रिसर्च प्लान कंप्लीट होने के बाद सबमिट होने के बाद कब करते हैं एंड हाउ कंफर्टेबल इज योर सुपरवाइजर व्हाट्स योर टेक व्हाट्स द टेक ऑफ योर सुपरवाइजर ऑन दिस सो जैसे कि आपके इस आंसर से मैं समझ पा रहा हूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हैं सो हमें किसी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले उसके नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से समझ लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है अगर आप फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं और आप पे फैमिली डिपेंडेंट है तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप कुछ पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर सकते किसी भी और असाइनमेंट्स में इंगेज नहीं हो सकते हैं सो आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और अगर ये प्रॉब्लम्स आपके दिमाग पे रहती हैं तो आई गेस रिसर्च भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी इनरोल करने से पहले वहाँ के प्रॉपर क्राइटेरियाज़ को समझ लें
सो सिंस अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस बातें हो गई हैं, सो अब थोड़ा सा माहौल को प्लेफुल बनाते हैं. सो जैसे कि हम अपने इंटरव्यूज़ में खेलते हैं रैपिड फायर राउंड, सो इस रैपिड फायर राउंड में मैं कुछ वर्धा से कुछ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा और वो बहुत ही रैपिडली उसका आंसर देंगी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आंसर देंगी. और आपको वर्धा सारे आंसर्स जो हैं वो वन वर्ड में देने हैं. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट रिसर्च, एक वर्ड में बताना है. नॉलेज. नॉलेज, ठीक है. व्हाट इज वन थिंग दैट यू हेट अबाउट रिसर्च? That stressful period that you have to undergo. Okay, so एक stressful period रहता है, वो वर्धा को नहीं पसंद है. Next, if you have to describe your guide in one word, what will be that word? Not one word, but two words. Motherly figure. Motherly figure, मतलब आपकी जो guide है वो काफी ज़्यादा. I'm blessed to have her. Okay, wonderful, wonderful. And what is one thing that you will describe to your teaching experience? Because you're teaching at one of the best colleges. So, just one word that could sum up your experience as a lecturer. Can't sum up my whole teaching experience, just one word. I am just loving it. Okay, wonderful. And one thing that you hate juggling between a researcher as well as a lecturer? Time issues. Time issues. So, I think ki in questions ke form mein kaafi cheeze hame bahut hi aasan aur summarized form mein pata chal gayi hai ki as a overall kya life hoti hai ek MPhil aur PhD scholar ki. तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एंड मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिंस सारे हम जितने भी लोग एमफिल या पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, एक बार हमने अपनी पीएचडी की डिग्री ले ली है या इवन ड्यूरिंग हमारी एमफिल पीएचडी की डिग्री लेते हुए हम किसी न किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं एज अ लेक्चरर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एज अ टीचर. सो क्या रोल प्ले करता है रिसर्च या पीएचडी डिग्री इन मेकिंग एफिशिएंट योर टीचिंग स्टाइल, या किस तरीके से हेल्प करता है एज अ लेक्चरर हमें? Whenever you're researching about something, अगर आप सच्ची में रिसर्च में अंदर सर्च के अंदर घुस चुके हो तो आपको एक हैबिट हो जाती है ऑफ आस्किंग वाई. सो यू बिकम अलर्ट, वेरी क्यूरियस. कुछ भी चीज़ हो रही है, यू रेड अबाउट समथिंग, किसी ऑथर ने कुछ बोला, कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स आई, यू आस्क वाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट. सिमिलरली आप खुद की कोई रिसर्च कर रहे हो तब भी यू गेट द रिजल्ट्स दैट यू एक्सपेक्ट, यू आस्क वाई. ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, यू अगेन आस्क वाई. So I think this is one thing that I have learned, there's a curiosity that has been built upon me. And teach karte time bhi jab main apne students ke sath hoti hu, to I am inculcate this habit of asking why in them. So that's, I think that's, that is one thing that students should learn, and I am able to make them learn that just do not just learn, you know, just do not just mug up concepts, but have the habit of asking why. Curiosity बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए. तो हर बार पूछो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज आई थिंक दैट इट हैज़ इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस. एज आई सेड कि वन थिंग दैट आई हैव मेजरली गेन फ्रॉम रिसर्च इन माई एरिया इज नॉलेज. तो मेरी नॉलेज काफ़ी एनहांस हुई है उस एरिया में बिकॉज आई हैव रेड सो मच इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एंड आई रियली लव टू डिस्कस दैट विद माई स्टूडेंट्स एंड यू नो इम्पार्ट एंड शेयर दैट नॉलेज विद दैम. अगला क्वेश्चन मेरा ये है मिस वर्धा कि जैसे आपने पहले एमफिल परस्यू करी है, सो क्या कुछ एडवांटेजेस हैं पहले एमफिल परस्यू करने के अपार्ट फ्रॉम डूइंग पीएचडी डायरेक्टली? सो इसके बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए. ऑलराइट, सो आई विल बी वेरी फ्रैंक हियर. अ लॉट ऑफ माय कलीग्स एंड माय सीनियर्स हैव कम टू मी टेलिंग मी दैट आप रिसर्च, आप एमफिल क्यों कर रहे हो एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग एमफिल, यू कैन हैव डायरेक्टली अप्लाइड फॉर पीएचडी, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड कोई फ़ायदा नहीं है एमफिल करने का. बट द रीज़न वाई आई अप्लाइड फॉर एमफिल इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग फॉर पीएचडी इज दैट मेरे इंटेंशन बहुत क्लियर थे. सो आई न्यू दैट पीएचडी इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड आई डिडंट नो कि इज इट समथिंग दैट आई वॉन्ट to get into or not for such a long period of time or not. So mujhe, I just wanted to test the waters beforehand and MPhil was the way I could do that. So isliye instead of applying for PhD, maine pehle MPhil mein apply kiya. So as to know ki what is research all about, what are my research interests, actually mein hota kya hai, karna kya hota hai 2-3 saalon mein. And once I know that I'm comfortable with doing these for the next maybe 3-5 years, uske baad hi main अपना पीएचडी में प्लंज लूँ. सो फॉर मी इट वॉज समथिंग दैट वॉज वेल थॉट अबाउट, इट वॉज अ वेल थॉट अबाउट डिसीजन. मेरी कुछ इंटेंशंस क्लियर थी एंड जब मुझे अब पता है कि एमफिल में क्या होता है, मुझे पता है कि क्या स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेन है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या एडवांटेजेस हैं, अब मुझे डेफिनेटली पता है कि मैं प्रीटी श्योर हूँ कि अब मेरा पीएचडी में आई विल बी एबल टू सेल थ्रू इट. सो दैट वॉज माई रीज़न. नाउ
as far as advantages of doing M.Phil before PhD are concerned, there are no explicit advantages of doing M.Phil before PhD. ऐसे कोई academic points अलग से M.Phil के लिए नहीं है, ऐसे कोई weightage नहीं है अलग से. And even the new education policy उसमें भी ये एक you know suggestion आया है कि M.Phil को maybe scrap कर देना चाहिए instead of M.Phil. जो M.Phil का coursework होता है, जो knowledge हमें M.Phil में दी जाती है, वो masters में ही inculcate के कर दी जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को मास्टर्स में ही एक्सपोजर मिल जाए कि पीएचडी में क्या होने वाला है और क्या वो आगे फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं या नहीं. इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन, अभी तक ऐसा कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है. बट येस, माई रिकमेंडेशन टू यू इज़ वेदर यू शुड गो फॉर M.Phil बिफोर पीएचडी और यू शुड डायरेक्टली अप्लाई फॉर पीएचडी. इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर इंटेंशंस. क्या आप पूरे श्योर हो कि आप 3-4-5 साल पीएचडी सस्टेन कर पाओगे विदाउट इवन नोइंग व्हाट पीएचडी इज ऑल अबाउट, विदाउट इवन नोइंग व्हाट सुपरवाइजर, व्हाट इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द एनवायरनमेंट. अगर आप श्योर हो कि कर पाओगे तो प्लीज़ डायरेक्टली अप्लाई फॉर पीएचडी. तब आपको रिसर्च M.Phil में अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है. बट इफ यू आर नॉट श्योर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर M.Phil बिफोर डूइंग पीएचडी. ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो M.Phil पीएचडी दोनों में अप्लाई कर देते हैं ये सोच के कि भाई जो मिल जाए ठीक है. ये अप्रोच मत फॉलो कीजिएगा. अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको पीएचडी ही करनी है तो प्लीज़ अप्लाई फॉर टू पीएचडी फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स रादर देन एक इंस्टीट्यूट में M.Phil और पीएचडी अप्लाई कर दी ये सोच के कि चलो जो भी मिल जाए ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए. फॉर मी वन कुड से कि इवन इफ़ वन वॉन्ट्स टू टेस्ट द वाटर्स तो आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो. 2 साल देख सकते हो पीएचडी में पढ़ के एंड समझ के एंड देन इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन लीव इट. बट आई कुडंट डू सो बिकॉज आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु कैन स्टार्ट वन थिंग एंड देन यू कैन जस्ट लीव इट. आई कॉन्ट डू दैट. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी. सो द फैक्टर रिमेन्स द सेम. देर इज नो एक्सप्लिसिट एडवांटेज एज आई जस्ट मेंशन. बट द फैक्टर रिमेन्स द सेम दैट इफ यू आर नॉट वेरी श्योर कि रिसर्च में होता क्या है, गो फॉर M.Phil. इफ यू आर लाइक कि नहीं मुझे M.Phil में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे तो पीएचडी करनी ही करनी है बाय हुक और क्रूक, गो फॉर पीएचडी डायरेक्टली. नो नीड टू स्टेप इनटू M.Phil. सो मैं जो रिसर्च की लैंग्वेज में अगर इसको पुट फोर्थ करूँ तो जैसे हम अपनी जो प्रॉपर रिसर्च करते हैं उससे पहले हम एक पायलट स्टडी करते हैं. सो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जिनको अभी क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट पीएचडी इज़ ऑल अबाउट, वो एक सॉर्ट ऑफ पायलट स्टडी कर रहे हैं M.Phil करके कि उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि पीएचडी में करना क्या होता है, किस टाइप्स के रिसर्च मेथड्स यूज़ करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें सारी ज़रूरत होती हैं, ये सारा आइडिया उन्हें लग जाएगा. सो दैट वॉज वेरी इंसाइटफुल मिस वर्दा. Also moving to the last question of our interview today, finally आप क्या हमारे budding researchers को tips या suggestions देना चाहेंगी regarding their M.Phil PhD course? Because काफ़ी सारे हमारे viewers, majority of viewers हमारे ऐसे हैं जो या तो नेट JRF pursue कर रहे हैं या तो नेट JRF qualify कर चुके हैं. So most probably they'll be applying for M.Phil PhD now. So over to you, Miss Varda. All right, so to all the current researchers and all the budding M.Phil and PhD aspirants who are listening to this, I have just one message for you that it's very lonely in here, that you are all alone in this journey. So कभी कभी बहुत ही स्ट्रेसफुल काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती है when you are doing your M.Phil or PhD, because although there is your supervisor to guide you, to provide you a right direction, but as I said, they are not here to spoon feed you. आपको अपनी प्रॉब्लम्स, रिसर्च गैप्स, रिसर्च मेथड्स, डेटा सोर्सेज, ये सब खुद सॉर्ट आउट करना है अपने लिए. कोई मिरेकुलसली नहीं आएगा आपके पास और ये नहीं बोलेगा कि भाई आई एम विद यू ऑल अलॉन्ग, मैं तुम्हारी रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. यू आर अलोन इन दिस जर्नी, राइट? यू आर अ स्कॉलर एंड यू आर हेयर टू लर्न एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट. Except this as simple as that. There's no alternative to this. So now this is something that I'm saying not from my own personal experience, but after talking to many other research scholars whom I have had a chance to interact. So during your research journey, you're going to face a lot of stress. You're going to face tears, like you're going to cry literally. I have been in that phase. A lot of research scholars have gone through that phase. You're going to get stuck in a lot of problems and you're not going to find solutions to them. Aapko bahut haath pair marna padega, bahut ja ke jagah se logon se baat karni padegi. You know, you'll have to dig out sources from various methods and ho sakta hai uske baad bahut time baad aapko apne problem ka solution mile. Please understand that it's a part and parcel of your research journey, right? It's perfectly normal to be tensed. It's perfectly normal to stress it out. The only solution to this is, it has a solution, obviously. Ye journey ka part hai, but it has a solution. The solution is ki aap ek apna social circle create kijiye jo aapka moral support bane. This social circle can consist of people
who are not from research background, but you know, maybe are your close friends. वो आपको moral boost provide करेंगे जब भी आप, you know, when you are feeling low, they will help you, support and pull you up. The social circuit can also consist of people who are researchers, hain, you know, your research colleagues. Either they can be from your background, from your research area, or from some other different area, and they can help you in different ways. Mein help kar you know, maybe references provide, kar sake, dusre logon se milwa sake, networks build. Kar sake. This is important because all these people together would help you push your research and will really, really help you. Okay, for people like me who are not very sociable, it was very difficult for me initially ki main kisi aur ke paas jaun and poochun ki mereko ye problem aa rahi, please help me out. It was very difficult for me. And if you are like me, it's going to be difficult for you as well. So this is one thing that research has taught me. I have come out of my comfort zone. I have come out of my cuckoo-bee. And this is something that you also need to learn. It's a part and process, part and parcel of the process of, you know, growing as a researcher. So, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं किसी चीज़ में फंस गया हूँ. And please never give up. बहुत problems आएंगी, बहुत struggles होंगी. I'm not telling you the ideal situation. There are people who just love research and there's no problem. They don't face any struggles. There are people like this. But majority of the cases, you'll have to face a lot of struggles. You'll have to face a lot of bitter tears. And वे होगा. And that's normal. You understand it. Just don't give up. बहुत opportunities आएंगी कि give up करने की. But just don't give up. Maintain that circle and I'm sure you'll be able to sail through it just by, I think, following this advice of mine. So, I'm sure, Varda, जो आपने जो भी suggestions दिए हैं वो बहुत ज़्यादा helpful होंगे हमारे young budding researchers के लिए. और मैं बस इसमें एक चीज़ ये add on करना चाहूँगा कि जितना मैं समझ पाया अपने आपके सारे questions और answers के form में कि एक जो research है वो इस तरीके से है कि एक research scholar एक बंद कमरे में है और अकेला है और वहाँ पे लाइट नहीं जल रही है. तो अगर उसे लाइट जलानी है और दीवार पे कहीं ना कहीं स्विच है तो उसे लगातार हाथ पैर मारता रहना है. अगर वो हाथ पैर नहीं मारेगा तब तो लाइट बिल्कुल जल ही नहीं सकती है. लेकिन अगर वो लगातार हाथ मार रहा है तो कहीं ना कहीं कभी ना कहीं उसका हाथ सही स्विच पर पड़ेगा और लाइट जल जाएगी और उस जो वो अंधकार में था उसकी उसे क्लैरिटी मिल जाएगी. तो सेम इज़ विथ रिसर्च कि अगर वो कहीं स्टक है और इस तरह से बार बार कोशिश करेगा, गिव अप नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो आई एम श्योर कि जो आज हमने एक इंटरव्यू लिया है मिस वर्दा सरदाना के साथ वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अपने एमफिल पीएचडी के कोर्स में. एंड आई एम श्योर कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे. स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें क्वेरीज पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर सकें. हमने एक और मिस वर्दा सरदाना का इंटरव्यू लिया था एज टू हाउ टू प्रिपेयर नेट JRF. वो हमारे लिंक में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर भी लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. So that was all for today. I would like to thank Miss Varda Sardana for giving her a valuable time to us. Thank you so much. Thank you and have a nice day.